अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ मी शकीला। आज हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोलर वर्ड की मीनिंग। तो सोलर का मतलब होता है सन और सिस्टम का मतलब होता है निज़ाम, जिसे कहते हैं कि शमसी निज़ाम। तो आज हम शमसी निज़ाम यानी सोलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो ये सोलर सिस्टम बना कैसे? तो ये सोलर सिस्टम बनता है द सन, स्टार्स, प्लेनेट्स एंड देयर मून्स मेड अप द सोलर सिस्टम। ये सारी चीज़ों ने मिल के एक ये सिस्टम बनाया है जिसे सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो अब सोलर सिस्टम में हमारे 9 प्लेनेट्स थे, जिसमें से एक को ख़त्म हो गया। तो हमारे पास अब सोलर सिस्टम में जो प्लेनेट्स हैं वो 8 प्लेनेट्स हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड द नेपच्यून। अब आपको पता होना चाहिए कि ये प्लेनेट्स क्या हैं। सो अ प्लेनेट इज़ अ लार्ज ऑब्जेक्ट विच ऑर्बिट्स अराउंड अ स्टार। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कोई भी थिंग, कोई भी एटम। तो जो प्लेनेट होता है एक बड़ी सी चीज़ है, एक बड़ा सा एटम है, यानी कि ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं ये विच ऑर्बिट्स अराउंड अ स्टार, स्टार के चारों तरफ घूमते हैं। ये सारे प्लेनेट्स चक्कर लगाते हैं, यहाँ पे स्टार कहा गया है। तो ये स्टार इंडिकेट कर रहा है सन को, सो सन इज़ अ स्टार, दैट्स वाई द वर्ड स्टार इज़ यूज्ड हेयर। तो जो हमारे सारे प्लेनेट्स हैं यानी सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे बड़े बड़े, तो ये प्लेनेट्स स्टार के यानी सन के अराउंड में चक्कर लगाते रहते हैं अपनी ऑर्बिट्स में। अब ऑर्बिट्स क्या होती हैं? ऑर्बिट को हम कह सकते हैं कि ये एक रास्ता है या ये पूरा चक्कर, चक्कर या रास्ता ऑर्बिट का मतलब होता है। तो इसी तरह ही हमारे जो हमारा सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लेनेट्स मौजूद हैं जो कि सन के अराउंड में अपनी ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मर्क्यूरी को। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। जो सन के बिल्कुल करीब में प्लेनेट है वो है मर्क्यूरी, और इट डजंट हैव एनी मून, और मर्क्यूरी के पास कोई भी मून नहीं है। वीनस, वीनस इज़ सेकेंड प्लेनेट फ्राम द सन। ये हमारा सेकेंड नंबर पे वीनस आता है। इट आल्सो डजंट हैव एनी मून, इसको भी कोई मून नहीं है। नाउ अर्थ यानी ज़मीन, अर्थ इज़ थर्ड प्लेनेट टू ऑर्बिट अराउंड द सन। और ये अर्थ जो है हमारे थर्ड नंबर पे प्लेनेट्स में आती है। इट हैज़ वन मून, इसके पास एक मून है जो कि विच वी कैन सी इन द स्काई एट नाइट टाइम, और रात में हम आसमान में देख सकते हैं उस मून को। तो ये मून हमारे अर्थ का है। मार्स, मार्स हमारे फोर्थ नंबर पे प्लेनेट्स में आता है, और इसके पास टू टाइनी मून्स है, बहुत ही छोटे दो मून्स हैं मार्स के पास। जुपिटर, जुपिटर इज़ अ इट्स अ फिफ्थ प्लेनेट, ये हमारा फिफ्थ नंबर पे प्लेनेट है, और इसके पास जो है 79 मून्स हैं, और इट्स अ लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। और हमारे सोलर सिस्टम में सब प्लेनेट से ज़्यादा बड़ा जो प्लेनेट है वो जुपिटर है, और ये जितना बड़ा है इसी वजह से इसके पास ज़्यादा मून्स है, 79। सैटर्न, सैटर्न इज़ अ सिक्स्थ प्लेनेट, ये हमारे छठे नंबर पे प्लेनेट आता है, और इसके पास इट हैज़ मोर देन 60 मून्स, इसके पास 60 से भी ज़्यादा मून्स होते हैं। एंड अ रिंग अराउंड इट, और इसके चारों तरफ रिंग होती है जिसमें ये सारे मून्स होते हैं। यूरेनस, यूरेनस इज़ अ सेवेंथ प्लेनेट, ये हमारे सातवें नंबर पे सोलर सिस्टम में यूरेनस आता है। यूरेनस हैज़ अराउंड 27 मून्स, और इसके अराउंड में 27 मून्स होते हैं। नेपच्यून, नेपच्यून इज़ फर्देस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन, सन से सबसे दूर वाला जो प्लेनेट है वो हमारा नेपच्यून है। इट हैज़ 13 मून्स, इसके पास 13 मून हैं।
नाउ टेल मी कि हम कौन से प्लेनेट पे रहते हैं। राइट, थर्ड नंबर वाला प्लेनेट अर्थ, तो हम अर्थ पे रहते हैं। अब मुझे बताएं कि सबसे हॉट प्लेनेट इनमें से कौन सा है। वीनस, वीनस इज़ अ हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अब मुझे बताएं कि सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है। जुपिटर, जुपिटर इज़ अ बिगेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। और सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है। नेपच्यून, क्योंकि ये सबसे दूर भी है तो ये कोल्डेस्ट प्लेनेट भी है और साथ साथ ये बिल्कुल छोटा प्लेनेट भी है। इसमें बहुत ही इजी वे बताया गया है जिससे आप सोलर सिस्टम के सारे प्लेनेट्स सीक्वेंस में याद कर सकते हैं कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। लास्ट में जैसे लिखा हुआ है माय, यानी एम, एम वर्ड से पहला हमारा प्लेनेट है मर्क्यूरी, बाद में है वेरी, वी से वीनस, बाद में है एजुकेटेड, ई, ई यानी कि अर्थ, मदर, मदर यानी एम, मार्स, मार्स के बाद है नदर, जस्ट, जे का मतलब हो जुपिटर, एंड एंड सर्व्ड, एस, एस यानी सैटर्न, एस, यू, यू यानी यूरेनस, एंड नगेट्स, एन, एन का मतलब है नेपच्यून। तो आपने ये सेंटेंस याद कर लेना है, आपको हिंट मिल जाएगी और इजीली आप सबको ये सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के नाम याद हो जाएंगे। माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नगेट्स। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।